हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज में ये 9th लेक्चर्स है। इसमें मैं आपको नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, पोलर फॉर्म्स की। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो x प्लस आई वाई दिया हुआ रहता है कार्टिजन फॉर्म में, उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कि कैसा क्या लग रहा है। और आपके तरफ से अगर कोई चैप्टर की डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लेक्चर मैं जल्द से जल्द बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। देखिए, पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूँ, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एक कोई पॉइंट ई है, दिस इज जेड। तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका जेड, डेट मीन्स दिस इज एक्स प्लस आई वाई। तो अगर मैं कार्टिजन के फॉर्म में देखूँ तो ये एक्स होता और ये वाई होता है। इसी को अगर मैं पोलर के फॉर्म में देखना चाहूँ तो पोलर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट पी, इसको क्या बोलते हैं आर, और दिस इज थीटा। तो ये जो फॉर्म होगा, दिस इज, ये हो जाएगा आपको आर कॉस थीटा और दिस इज आर साइन थीटा। तो यहाँ ए पॉइंट आ रहा है, ये तो आपको मालूम ही है कि दिस इज द ओरिजिन से है। तो मतलब ए डिस्टेंस अगर आप निकालिएगा, दिस इज आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर को मतलब क्या लिख सकते हैं, और एक तरह से अगर मैं मॉड जेड भी निकालता हूँ ना, तो इसकी भी वैल्यू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। डैट मीन्स मॉड जेड इक्वल टू आप आर कह सकते हैं। अब देखिए, अब इसको कंपेयर करें तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा और एक्स इक्वल टू, और वाई इक्वल टू क्या होता है आपका आर साइन थीटा। इस तरह से लिखें, या इसको आप मॉड जेड कॉस थीटा भी लिख सकते हैं एंड मॉड जेड साइन थीटा भी लिख सकते हैं। दैट इज़ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। अब आर कॉमन निकाल लेंगे तो आर, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ इन पोलर फॉर्म, दिस इज द इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो हुआ कार्टिजन फॉर्म में और ये हुआ आपको पोलर फॉर्म में। तो अगर कार्टिजन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, पोलर फॉर्म में निकालना हो तो आपको आर निकालना है, आर की वैल्यू रख दें और कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू रख दें, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टिजन फॉर्म में रहेगा वो आपका पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। या ज़्यादा इसको और भी चेंज करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ई टू दी पावर आई थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर आई थीटा। ये मैंने आपको मेथड बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टिजन कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन, अब इसको कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है माइनस वन माइनस आई। तो सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं, आप जेड मान लें माइनस वन माइनस आई। तो अगर मैं मोड जेड निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन, ये भी वन हो जाएगा, दिस इज रूट टू। मतलब ए हो गया आपका आर हो गया। अब मैं टैन अल्फा निकाल लेता हूँ तो वाई, वाई कितना है माइनस वन और एक्स भी माइनस वन, तो ए हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स वन, दिस इज पाई बाय फोर। अब ये किस कोऑर्डिनेट का है आपका, कोऑर्डिनेट सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, मतलब दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें आपको थीटा निकालना पड़ेगा, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, पाई प्लस अल्फा, तो दिस इज पाई प्लस पाई बाय फोर। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर पाई बाय फोर, इधर हो गया और पाई, मतलब ये फाइव पाई बाय फोर हो गया थीटा की वैल्यू। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो दिस इज जेड इक्वल टू आर, कितना आया था आपका रूट टू, दिस इज कॉस
पाई बाय फोर प्लस आई साइन 5π/4, तो आपके फाइनल आंसर हो गए, ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। और यहाँ आपको मैंने आर्गुमेंट निकालना भी बता दिया, ये आपको मॉडुलस भी निकालना बता दिया, तो दोनों चीज़ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 - i, सभी कोऑर्डिनेट का आपको क्वेश्चन बता देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर आपको किसी भी तरह का डॉट नहीं आना है। 1 - i, तो मॉड जेड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + 1, दिस इज √2। और अगर अल्फ़ा निकालते हैं तो दिस इज टेन इनवर्स बाय -1/1, तो ये हो जाएगा आपका π/4। अब ये क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट का है, ये x प्लस है और y माइनस है, मतलब ये किसका है आपका x प्लस में है और y माइनस में, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। इसका बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज 2π - α। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू और कंजुगेट निकालना आप प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। 2π, अल्फा की वैल्यू कितना हो गई π/4, तो हो जाएगा 8π, 7π/4। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर तो क्या है आपका √2 है, कॉस थीटा आपका थीटा कितना है 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। आप इस फॉर्म में लिखें या आप खींचाओ तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, e⁻ i, दिस इज 7π/4, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसा बुक में आंसर हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अलग वेराइटीज़ की, 1 + 2i, 1 - 3i, तो इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने आपको, मतलब इसको पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप मेरे पहले वाला लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ। तो इसको रेशनलाइज करें, 1 + 3i, 1 + 3i, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 + 3i + 2i और -6, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा ना -1, और ये हो जाएगा 1 - 9, और आई स्क्वायर -1 तो हो जाएगा +1, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस ये हो जाएगा 5i, दिस इज 10, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करूँ तो -1 + i/2, तो जेड इक्वल टू -1/2 + 1/2i। तो इसके क्या करते हैं, मॉड जेड निकाल लें तो ये हो जाएगा √1/4 + 1/4, दिस इज 2/4, 1, 2, दिस इज 1/√2, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें को क्या निकालना, अल्फा, दिस इज टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका वाई, 1/2, एक्स -1/2, मतलब 1 ही आ रहा है, दिस इज π/4। अब इस किस कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ए, ए आपका हो गया x माइनस है और y आपका प्लस है, मतलब ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या होगा, π - α, तो π - π/4, तो 4π में से ये हो गया 3π/4, तो थीटा भी, या आपका थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं तो जेड इक्वल टू क्या होता है पोलर फॉर्म में, आर, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर की वैल्यू आप रख दें, आर की वैल्यू कितनी है आपका 1/√2 एंड कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, तो आपके पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। आंसर ये लिखें या चाहे तो आंसर 1/√2 e⁻ i 3π/4 ही लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टिजन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको और भी कंसेप्ट आपको मैं बताऊँगा।
और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कि कैसा क्या लग रहा है। और आपके तरफ से अगर कोई चैप्टर का डिमांड है तो वो कमेंट में चैप्टर का नाम लिखना नहीं भूलें, जितना जल्दी लिखिएगा मैं उसके वीडियो उतने जल्दी बना के आपको अपलोड कर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे कि मैंने लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMP क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे।